गाइस गुड इवनिंग, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सन फार्मा के बारे में, ठीक है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करता है सन फार्मा, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर 0.78% भागा है और 5 डे में भी वही सेम रेंज में, और 1 मंथ में देख सकते हो 1.5% की तेज़ी, 6 मंथ में 14% की तेज़ी, 1 ईयर में 13% की तेज़ी, 5 ईयर में देखोगे अभी भी शेयर गिरावट में शो हो रहा है। मैक्सिमम देखोगे तो 29,000% भागा है। लिस्टिंग कब हुआ था 1999 में, तो दोस्तों यहाँ पर 2.27 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था। और दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई देखोगे तो 1,081 है, ठीक है, और यहाँ पर इसी लेवल में ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो आगे का टारगेट क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप इंटरडे टिप्स लेना चाहते हो टेलीग्राम चैनल नीचे मिलेगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन यहाँ पर अगर हम देखेंगे NSE की ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पर भारी भरकम बाय दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो 51% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर 55,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 में, और 2021 में दोस्तों यहाँ पर 32,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कंपनी डाउन में अभी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डिविडेंड तगड़ा डिविडेंड देता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में 5.50 रुपये करके फेब्रुवरी महीने में दिया था। और दोस्तों इस बार 27 मई को रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हुआ था, डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हुआ था। प्रमोटर के पास यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग 8.62% प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो गिरवी रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा लार्ज मार्केट कैप है, आप देख सकते हो 162,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 722 इसका लाइफ टाइम हाई है, 52 हाई, और लो है 452 रुपये। और दोस्तों अभी कितना प्राइस चल रहा है अभी दोस्तों, इसका जो टारगेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो टारगेट है दोस्तों 700 रुपया इसका टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट 700 रुपया, लॉन्ग टर्म उससे भी ज़्यादा है, लेकिन 700 रुपया इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर आप होल्ड करोगे तो सेक्टर भी यहाँ पर 55 है, बुक वैल्यू यहाँ पर 194 है, और डिविडेंड कंपनी 0.81 प्रोवाइड करता है, ROC यहाँ पर 14% है, ROE यहाँ पर 6.33 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, कभी भी स्प्लिट नहीं होगा। ये दोस्तों आप देख सकते हो ड्रग्स बनाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और इंडिया का नंबर 1 कंपनी है सन फार्मा। उसके बाद जो आता है क्वार्टरली सेल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6,475 का किया गया था, लेकिन 8,523 का हुआ है, यानी बहुत ही बढ़िया बात है, क्वार्टरली बढ़िया सेल हुआ है। यहाँ पर क्वार्टरली हम लोग को गिरावट में रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1800 अभी 894, यानी कंपनी अभी 1,000 करोड़ का क्वार्टरली लॉस में चल रहा है। अगर हम ईयरली देखेंगे, ईयरली यहाँ पर देख सकते हो ईयरली भी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा गिरावट क्योंकि पिछले टाइम ये था 3,765 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले ईयर, और इस ईयर में 9,204 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस बार तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा था, 6,000 से ज़्यादा इनकम हुआ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है, ये मेन चीज़ है। और बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है 204 शेयर कैपिटल, 46,000 करोड़ का रिजर्व है, यहाँ पर 45,000 था, उसके बाद तो 41 करोड़ का था, धीरे धीरे करके रिजर्व ग्रो कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके कर्जा भी कम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो 10,500 का था 1,000 करोड़ का कर्जा, और 8,000 हो गया, अभी 3,343 करोड़ का कर्जा है, यानी कर्जा मुक्त करने के लिए कंपनी वाले कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसके पास कितना होल्डिंग है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है प्रमोटर के पास 54% है, 12% है DI वालों के पास, डोमेस्टिक वालों के पास 20% है, 12% है प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ पर आप 700 रुपये के लिए थोड़ा टाइम वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन आपको अभी से बाय करके होल्ड करना है लंबे अवधि के लिए। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।